रियल कपल्स के लिए कितना इजी होता है ना अपना वैलेंटाइन प्लान करना, बट फिर भी उनका भी सोच के मैंने इधर कार्ड पे होगा जो वीडियो वो बनाया था रिसेंटली, बट उनका क्या जो इतने दूर रहते हैं एक दूसरे से, वो कैसे प्लान करते होंगे और वो क्या क्या चीज़ें मतलब सोचते होंगे जिससे उनको ज़्यादा यू नो मिस ना करें एक दूसरे को। वैसे LDR इज़ ऑल अबाउट मिसिंग ईच अदर, बट फिर भी आई वॉन्ट टू मेक दैट वैलेंटाइन स्पेशल, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ ऐसे वर्चुअल आइडियाज़ जो आप अपने वर्चुअल पर्सन पे अप्लाई कर सकते हो #reallove पे। पार्टनर इसलिए नहीं बोला क्योंकि कुछ लोग की दोस्ती भी इतनी गहरी होती है कि कपल्स भी उनके सामने फेल है। सो लॉन्ग डिस्टेंस वालों तैयार हो जाओ, नहीं होगे तो ऐसे ही ये वीडियो देख लो। लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपको तो पता ही है कि अभी मैं फेसबुक पे फॉलो करने बोलूँगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करने बोलूँगी, बेल नोटिफिकेशन ऑन करने बोलूँगी, और मैं ज़्यादा तो काम में देती नहीं हूँ। एंड बाकी या लाइक दिस वीडियो। नंबर वन, व्लॉग। डू यू नो वो कितना तरस जाती है तुम्हारा एक दिन देखने को या उस एक दिन में शामिल होने को। अब तुमको फ्लाइंग बिस तो हो नहीं ना आए कोई बड़े व्लॉगर, कैसे देखूँ मैं तुम्हें। सो व्लॉग अ डे बिफोर वैलेंटाइंस। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि व्लॉग क्या करूँ, व्लॉग में क्या करूँ, कैसे मतलब क्या, बिकॉज यू नो बहुत सारे लोगों को आई हैव एक्सपीरियंस इट कि जब नहीं आता है ना व्लॉग करना, व्लॉगिंग की आदत नहीं होती है तो कैसे फील होता है। तो मैं बताती हूँ कि क्या करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ एंड उन क्लिप्स में वो बोलो जो आप उनके लिए सरप्राइजेस प्लान कर रहे हो या जैसे आप उनके साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना चाहते हो। मतलब जब सरप्राइजेस मिलते हैं तो बड़ा ऐसा क्यूरियोसिटी होता है जानने का कि क्या सोच के तुमने ये प्लान किया, लाइक इन अ पॉजिटिव वे, कि ऐसा नहीं क्या सोच के तुमने ये प्लान किया, अरे नहीं मतलब क्या था दिमाग में, कैसे मतलब ये आइडिया कैसे आया, या तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद होगा टाइप। तो वो सारी चीज़ें जब आप प्लान कर रहे हो तो उस ब्लॉग में उन क्लिप्स में बोल सकते हो कि मैंने इस चीज़ से इससे रिलेट किया एंड आई थिंक तुम्हें पसंद आएगा टाइप। या सो इजी ना, तो उन छोटे छोटे क्लिप्स को अभी उनको भेजो नहीं, उनको जेब में डाल दो, मैं बताऊंगी उनको बाद में क्या करना है। नंबर टू, सेलेक्ट वीडियोस टू वॉच टुगेदर। ये पहले से करके रखो, इट्स लाइक प्लानिंग फॉर दैट डे कि उस दिन क्या क्या हम साथ में देख सकते हैं। सो बहुत सारे YouTube वीडियोस के लिंक्स आप सेव कर सकते हो एंड या कोई मूवीज़ देख सकते हो साथ में। YouTube वीडियोस आई थिंक बेस्ट रहते हैं क्योंकि इफ़ आप बोर भी हो गए तो आधे बीच में वीडियो बंद करके आप दूसरा वीडियो देख सकते हो। आपका क्या है, वॉच टाइम तो उनका घट रहा है, आप इंजॉय करो। नंबर थ्री, मेक अ कस्टमाइज थिंग। सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे गिफ्ट पेजेस होते हैं, वो चेक कर सकते हो, या रियल शॉप्स में लेने से अच्छा मैं तो कहती हूँ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे देखो, ज़्यादा ही आपको सस्ते पड़ेंगे। ऐसा नहीं है स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे को नोटिफिकेशन आया था इसलिए मुझे पता है कि गिफ्ट आइडियाज़ वाली कुछ तो ऐसे रहता है सेक्शन, नोटिफिकेशन आया था मैंने ओपन किया तो उसमें बहुत सारे दिखे थे एंड वो चीप प्राइस थे तो वो आप चेक कर सकते हो। और पता है चॉको क्राफ्ट सेंड मी अनदर बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जो पिछली बार से भी ज़्यादा सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑन दिस वैलेंटाइन आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड, सो आई एम गोइंग टू ओपन इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइस। इस बॉक्स में मेरी फोटो है और ये मेरी लेटेस्ट क्लिक है एंड इसमें लिखा है हैप्पी वैलेंटाइंस डे स्वीट मयूरी। कितना सुंदर लग रहा है यार ये बॉक्स। एंड यहाँ पे एक ये है स्टिकर जिसको मैंने निकाला, क्यूट चॉकलेट्स। यहाँ पे एक बटर पेपर है जिसमें लिखा है हैप्पी वैलेंटाइंस डे मयूरी। यू नो इस बटर पेपर में कस्टमाइज टेक्स्ट भी लिखे होते हैं जो लास्ट टाइम चॉको क्राफ्ट ने मुझे जब सेंड किया था तो लिखा था, बट मेरी फ्रेंड ने कुछ नहीं लिखा है मेरे लिए। बट इफ आप किसी को दोगे तो मेक श्योर टू राइट समथिंग स्वीट। वाओ, दीज चॉकलेट्स आर सो गुड, हैप्पी वैलेंटाइंस डे स्वीट मयूरी लिखा है। एंड आई नो बिकॉज मैं चॉको क्राफ्ट के चॉकलेट्स और भी ट्राई कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि ये टेस्टी होगा। यम। Thank you.
आई रियली लाइक दिस चॉकलेट्स गाइस, एंड आप ना मुझे हर बार ही भेज दिया करो। और आप भी अगर किसी को देना चाहते हो तो एनिवर्सरी हो, वैलेंटाइंस हो, बर्थडे हो, बच्चे का मुंडन हो, कुछ भी हो, बस बॉक्स में अपने से आप कुछ भी लिखवाओ, पिक्चर्स भेजो एंड दे विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल बॉक्स फॉर यू। सो यू मस्ट ट्राई इट गाइस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 4, मेक अ प्लेलिस्ट ऑफ रिलेटेबल सॉन्ग्स। आपके दोस्त जो भी म्यूज़िक ऐप यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए, वो सेम ऐप आप भी इंस्टॉल कीजिए, उसमें एक प्लेलिस्ट बनाइए और सेम गाने सेम टाइम पे सुनो चैट करते हुए। यू विल फील लाइक कि आप दोनों एक ही रूम में बैठे हो और सेम गाने सुन रहे हो। नंबर 5, सेलेक्ट गेम्स टू प्ले और ड्रॉ टुगेदर। इतने सारे तो प्ले स्टोर पर ऐप्स हैं यार, उनका फ़ायदा उठाओ एंड या यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, कई सारे गेम्स होते हैं, सो अच्छा टाइम पास हो जाएगा उस दिन। नंबर 6, ऑर्डर सम फूड टू हर प्लेस एंड इफ़ यू आर अ गर्ल देन टू हीज प्लेस। बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ होगी ये कि मतलब उनके एड्रेस पे फूड ऑर्डर करना। बस ध्यान रहे कि उनके पसंद का करें क्योंकि खाना उनको है। नहीं मतलब तुम्हें खाने में क्या पसंद है ये पूछना कब काम आएगा। नंबर 7, एंड ऑफ द डे, जो भी सरप्राइजेस आपने प्लान किए हैं एंड जो भी खास खास चीज़ें आपने की हैं उनको अगर आपने रिकॉर्ड किया है व्लॉग बनाकर, तो भले 2-4 क्लिप्स हों, प्लीज़ उनका कंपाइलेशन बनाओ एंड सेंड इट टू हर और हिम, देन डू अ कॉल और वीडियो कॉल एज पर योर प्रेफरेंस। फिर स्वीट सा गुड नाइट। आई विश आप वैलेंटाइंस पे अकेला ना फील करो, बिकॉज होता होगा भले कपल्स के लिए, बट मेरे हिसाब से जिनसे भी आप प्यार करते हो उनको प्यार जताओ, चाहे वो मॉम हो, डैड हो, या तुम्हारा यार हो, बाजू में रहता हो या सरहद के पार हो। जस्ट एक्सप्रेस इट, योर वर्ड्स कैन मेक द डे। एंड इस वीडियो पे हम टारगेट करते हैं 1K लाइक के लिए, so do share it guys, love you all, happy Valentine's Day।